स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और आज मैं आपको केस स्टडी कराने वाला हूं बिजनेस की, चैप्टर 4 प्लानिंग की। सबसे पहली केस स्टडी हमारे सामने है कि सुहासिनी ए होम साइंस ग्रेजुएट फ्रॉम ए रेपुटेड कॉलेज हैज रिसेंटली डन ए क्विकरी कोर्स। सुहासिनी ने जो होम साइंस से ग्रेजुएट है, रिसेंटली अभी उन्होंने क्विकरी कोर्स किया है। शी विश टू स्टार्ट हर ओन वेंचर विद अ गोल टू प्रोवाइड हेल्थ फूड एट रीजनेबल प्राइस। उसने सोचा कि वो अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करना चाहती हैं ताकि लोगों को फूड अच्छा मिले और रीजनेबल प्राइस पर मिले। उन्होंने अपना आइडिया अपने टीचर से भी शेयर किया और उन्होंने काफ़ी एनकरेज किया उसे। After analyzing various options for starting her business venture, they shortlisted the option to sell ready-made and ready-to-make vegetable shake and sattu। सब कुछ सोचने के बाद उसने अपना प्लान कर लिया कि मुझे ऐसे काम करना है और ऐसे शुरुआत करूँगी। उसके बाद उसने उसके प्रोज और कौन यानी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी शॉर्टलिस्ट कर ली है। क्वेश्चन में आपको बताना है कि नेम द फंक्शन ऑफ मेजरमेंट बीन डिस्कस अबव पैरा एंड गिव वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। ये आपको मालूम है, यहाँ प्लानिंग की बात हो रही है और प्लानिंग की लिमिटेशन के बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट। एक कंपनी है जो गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कर रही है। द मैनेजर वांट टू इंक्रीज द प्रॉफिट बाय परचेजिंग ए न्यू हाई स्पीड मशीन और इंक्रीजिंग द सेल प्राइस और यूजिंग वेस्ट मटेरियल इन द मैन्युफैक्चरिंग स्टफ टॉयज। मैनेजर है वो अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहता है और हाई स्पीड मशीन खरीद के और सेल प्राइस भी इंक्रीज करना चाहता है। उन्होंने डिसाइड किया कि जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी वो यूज़ करेगा ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो भी इंक्रीज हो। यहाँ पे आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, वो सोच रहा है प्लानिंग। ठीक, मेंशन द स्टेप्स, इस पे आपको कौन से स्टेप लिखने हैं कि प्लानिंग जो हम करते हैं, प्लानिंग के प्रोसेस, प्लानिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो यहाँ पर इस क्वेश्चन में लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल अ वर्कर इज गिवन अ टारगेट ऑफ असेंबलिंग 2 कंप्यूटर्स पर डे। राहुल एक वर्कर को टारगेट दिया गया है कि वो 2 कंप्यूटर पर डे असेंबल करें। Due to his habit of doing things differently, an idea struck him which would not only reduce the assembling time of computer but would also reduce the cost of the production of the computer. ये काम करते करते उसे एक आइडिया आया जो कि ना केवल उसका टाइम बचाएगा बल्कि उसकी कॉस्ट भी बचाएगा कंप्यूटर्स की। राहुल सुपरवाइजर इंस्टेड ऑफ अप्रिशिएटिंग हिम ऑर्डर हिम टू कम्प्लीट द वर्क एज पर द मेथड एंड टेक्निक डिक्लेयर्ड एज नथिंग कुड बी चेंज एट द स्टेट। राहुल के जो सुपरवाइजर थे उसने उसे अप्रिशिएट नहीं करा इस चीज़ के लिए बल्कि उसे और ऑर्डर कर दिया कि अपने काम को इस मेथड से और टेक्निक से जो पहले की हैं वही उससे करे। आपसे पूछा है कि द अबव पैरा डिस्क्राइब वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। यहाँ पर प्लानिंग की किसी लिमिटेशन की बात हो रही है तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, उस लिमिटेशन की यहाँ बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी जो केस स्टडी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी अच्छी है कि इन चक दे इंडिया मूवी शाहरुख खान बिकम द कोच ऑफ द गर्ल्स हॉकी टीम। चक दे इंडिया जो मूवी थी उसमें शाहरुख खान हमारे गर्ल्स हॉकी टीम के कोच थे। ही नो डैट ही हैज़ टू प्रिपेयर द गर्ल्स फॉर द इंटरनेशनल हॉकी मैच एंड ब्रिंग द वर्ल्ड कप आफ्टर विनिंग। उन्हें क्या था, उन्हें पता था कि उन्हें इंटरनेशनल हॉकी मैचेस के लिए गर्ल्स की टीम प्रिपेयर करनी है अच्छी और वर्ल्ड कप जीतना है। For this he prepare a long term plan and thinks the way how to get the competitor. इसके लिए उन्होंने प्लान बनाया और सोचा कि हम कैसे कॉम्पिटिटर को हरा सकते हैं। He coaches the girl to play in different way like defensive ones. उन्होंने बताया गर्ल्स को कैसे कैसे खेलना है अलग अलग तरीके से और उन्होंने बताया भी कौन ओपन करेगा, कौन फेस करेगा, कौन कैसे अलग अलग पास करेगा। अब आपको इसमें टाइप्स ऑफ प्लान बताने हैं अलग अलग जो यहाँ पर हाईलाइट हुए हैं। तो ठीक है, तो अब इसमें चार ही टाइप्स ऑफ प्लान बताने हैं। सबसे पहला आपको एक दिख रहा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मेन मोटिव क्या था, वर्ल्ड कप जीतना। तो ब्रिंग द वर्ल्ड कप आफ्टर विनिंग, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव, पहला टाइप ऑफ प्लान। दूसरा, इसे जीतने के लिए उन्होंने क्या करा, स्ट्रेटेजी बनाई। स्ट्रेटेजी क्या है कि फॉर दिस ही प्रिपेयर ए लॉन्ग टर्म प्लान एंड थिंक द वे हाउ टू गेट द कॉम्पिटिटर, ये इनकी क्या थी, स्ट्रेटेजी थी, सेकेंड प्लान। तीसरा, किस मैथड से उन्होंने, तीसरा यहाँ पे है ही कोचेस से, यानी कि ही कोचेस द गर्ल टू प्ले इन डिफरेंट वे लाइक डिफेंसिव फॉर्म्स, ये उनका मेथड था। फोर्थ, उनका प्रोसीजर यानी कि एट द आउटसेट से लेकर स्टेप बाय स्टेप तक। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में आपको और अच्छी अच्छी केस स्टडी कराऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कॉमर्स गुरुजी।